वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज अनमोल सचदेवा। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 2, नेम इज द थीफ स्टोरीज। तो जैसे कि आपको चैप्टर के नेम से पता चल रहा है दैट द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द कैरेक्टर ऑफ द थीफ, एक चोर के बारे में स्टोरी है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट इज अ 15 ईयर ओल्ड चाइल्ड एंड सेकेंड इज 25 ईयर ओल्ड बॉय हुज नेम इज अनिल। स्टार्टिंग में अनिल एक रेसलिंग का मैच देख रहा होता है। सडनली अ 15 ईयर ओल्ड बॉय केम टू हिम एंड आस्क हिम दैट यू आर लुकिंग लाइक अ रेसलर, आप एक रेसलर की तरह लग रहे हैं। रीजन व्हाई बिहाइंड दिस टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन इज दैट द चाइल्ड वांट टू नो अबाउट द अनिल, जानना चाहता था अनिल के पास कितने पैसे हैं अराउंड सो दैट ही कैन रॉब हिम। सो अनिल रिप्लाई करता है यू टू आर लुकिंग लाइक सो, बट जो चाइल्ड है उसे पता होता है दैट वो उसे सिर्फ खुश करने के लिए बोल रहा है बिकॉज ही वॉज वेरी थिन एट दैट टाइम। सो फर्दर डिस्कशन करते हैं वो, अनिल आस्क द नेम ऑफ द चाइल्ड, द नेम वॉज रिप्लाइड बाय द चाइल्ड इज हरी सिंह, जो चाइल्ड है अपना नाम हरी सिंह बताता है, विच इज द फेक वन बिकॉज जो हरी सिंह है अपना नाम हर मंथ चेंज करता था सो दैट वो पुलिस से बच सके, ही हाइड हिज आइडेंटिटी। सो जो चाइल्ड है हरी सिंह है वो अनिल को बोलता है दैट ही विशेस टू वर्क फॉर हिम, वो उसके लिए काम करना चाहता है, बट अनिल रिप्लाइज दैट उसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। देन उसे डाउट होता है हरी सिंह को दैट क्या मैंने गलत पर्सन तो नहीं चूज कर लिया रॉब करने के लिए, चोरी करने के लिए, बट स्टिल ही वेट एंड फर्दर आस्क क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो, तुम मुझे खिला सकते हो। हरी सिंह अनिल से पूछता है, अनिल रिप्लाई करता है ओनली इफ यू कुक फूड फॉर मी, अगर तुम खाना बनाओगे इन दैट केस आई विल फीड यू, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। हरी सिंह एग्री ऑन दैट, वो एग्री हो जाता है। अनिल जो है बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, बड़ा ही नरम दिल पर्सन है वो। हरी सिंह को अपने घर ले जाता है, ही शो हिज हिम अ रूम, उसे अपना घर दिखाता है, उसे बैल्कनी में जो है सोने की परमिशन दे देता है। एक और चीज जो पता लगता है दैट अनिल इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन दैट जब पहली बार हरी सिंह ने खाना बनाया तो इतना बुरा बना था, अनिल ने वो खाना स्ट्रे डॉग्स को खिला दिया, बट उसने हरी सिंह को कुछ भी नहीं कहा, ही डिडंट स्कॉल्ड हरी सिंह, उसने उसको डांटा नहीं, इवन कि उसके सिर को टैप किया एंड कहा दैट आई विल टीच हाउ टू कुक फूड एंड आल्सो आई विल टीच यू टू मेक द सेंटेंस, मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। हरी सिंह वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट, भी मैं भी सीख सकता हूँ, लिख सकता हूँ एजुकेटेड पर्सन्स की तरह और मैं और भी ज्यादा कामयाब होऊंगा। तो इस बात के चलते हरी सिंह को अब ड्यूटी मिल जाती है मॉर्निंग की टी बनाने के लिए और मार्केट से सामान लाने के लिए, और डेली के सामान में हरी सिंह ₹1 सेव कर लेता, प्रॉफिट अपना निकाल लेता था, और उसको पता था ये बात कहीं ना कहीं अनिल को पता है, बट फिर भी उसने कभी अनिल ने हरी सिंह को ये चीज शो नहीं होने दी। तो आगे चलते हैं स्टोरी के अंदर, अनिल का जो अर्निंग सोर्स था दैट ही राइट्स फॉर द मैगजीन, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। वन डे ही एंटर्स इन हिज होम विद अ बंडल ऑफ नोट्स, वो एक बंडल के साथ नोट्स के अपने घर में पहुंचता है एंड ही प्लेस दैट बंडल अंडर द मैट्रेसेस, तो मैट्रेसेस के नीचे वो रख देता है। ये सारी बात अब हरी सिंह देख रहा है। रात का टाइम हो गया, मूनलाइट केम इनटू द रूम एंड अनिल वाज स्लीपिंग। हरी सिंह सेट ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर बैठता है और सोचता है मुझे अराउंड 1 month हो चुका है और डेली के 1 rupees के प्रॉफिट के अलावा मुझे यहाँ मिल भी नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर करने क्या आया था, मैं तो यहाँ पर चोरी करने आया था, इन सब कामों के लिए तो मैं आया ही नहीं। तो वो सोचता है अपने मन के अंदर भी मुझे अब ये चोरी कर लेनी चाहिए, मेरे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास अच्छा मौका मिला है मुझे, बट कहीं ना कहीं वो रुक जाता है। क्यों? रीजन व्हाई इज दैट ही थिंक दैट इट इज इजी टू रोब अ सेल्फिश पर्सन, अ ग्रीडी पर्सन, बट इट इज सो डिफिकल्ट टू रोब अ काइंड पर्सन, उसका वो ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहता था, बट स्टिल उसने एफर्ट्स किए, एक प्लान बनाया दैट ही रोब दैट मनी, रन टू द स्टेशन एंड कैश दैट 10:30 ट्रेन टू द लखनऊ।
वो उठता है, उसने मैट्रिसेस के अंदर हाथ डाला, ग्रैब द मनी, पिक इट आउट एंड रन फ्रॉम द हाउस, वो भाग जाता है उस घर से। थोड़ी दूर चलने के बाद ही बॉट अप द मनी विच इज इन द वेस्ट ऑफ द हरि सिंह, वो अपने वेस्ट से पैसे निकालता है एंड आफ्टर द काउंटिंग ही कम टू नो दैट वाज 600 रुपीज, That was account 600 of 50s. 50s के वो 600 rupees है. Then he thought that he was a rich person. अब वो एक दो हफ्ते अपनी लाइफ काफी मजे से गुजार सकता है. He ran to the station. अब वो टिकट विंडो की तरफ नहीं जाता, because he was thief और चोर कभी टिकट नहीं लेना पसंद करता. Then he ran to the station. प्लेटफॉर्म पर जब जाता है, ट्रेन धीरे धीरे चल रही होती है. He can catch the train, but वो ट्रेन को नहीं पकड़ता, ट्रेन चली जाती है. He was alone at that station, that platform. अब वो सोचता है क्या करे वो, क्या वो वापिस जाए, वापिस किसके पास जाए, पूरे शहर के अंदर there is no one friend of him, एक ही उसका जो था known था, and but वो तो अभी उसके घर पर चोरी करके आया है, अब वो क्या करे. He stepped toward the market. Market की तरफ जाता है वो, एक ग्राउंड पर पहुंचकर एक टेबल पर बैठ जाता है, बेंच पर बैठ जाता है. बेंच पर बैठने के बाद वो सोचता है क्या उसने सही किया. That was the days of the November, a chilly night with a little rain. His clothes were sticks to the body. उसके जो कपड़े थे बारिश की वजह से उसकी बॉडी पर स्टिक हो चुके थे. Cold air makes him uncomfortable. उसे uncomfortable feel करवा रही थी. वहां से वो खड़ा हुआ, गया मार्केट की तरफ. He took a shelter under the clock tower. उसने clock tower के नीचे उसने अपना shelter रुका वहां पर, और वो सोचने लग गया that it could be comfortable there. वो सोच रहा है वो अनिल के घर पर इतना बुरा भी नहीं था. He gave him 3-4 rupees to watch the movie. And he saved 1 rupee from the groceries which he bought day by day. और वो तो उसको लिखना पढ़ना भी सिखा रहा था. He make him an educated person, which is much more important to achieve a more success and more achievements instead of this robbery. वो ये चोरी कर कब तक जी लेता, और अगर पकड़ा गया then everything is closed, सब कुछ खत्म. Then after all thinking of that, he stepped back to the Anil's house. वो अनिल के घर पर दोबारा जाता है, वो वापस जाता है. He put back the money which he has stole earlier. जो उसने पैसा चुराया था वो अब अनिल के मैट्रेस के नीचे वापस रख देता है. And sleep on the floor, और वो फर्श पर दोबारा सो जाता है. In the morning, अनिल wake up before the हरि सिंह, वो उठ जाता है पहले, चाय लेकर खड़ा होता है हरि सिंह के पास. हरि सिंह जैसे ही उठता है then अनिल offers him a cup of a tea with the 50 rupees note. जैसे ही उसने हरि सिंह ने 50 rupees note अपने हाथ में पकड़ा, it was a little wetty. वो जो नोट था वो हल्का सा गीला था. And that wetness is of the last night rain. For a moment, Hari Singh feels that अब वो पकड़ा गया. अनिल को उसके बारे में सब पता चल चुका है. But still, उसने कुछ नहीं कहा. अनिल की ना ही आंखों ने और ना ही जुबान ने कुछ भी नहीं कहा. He offered him a tea और उसने कहा भी मुझे last night कुछ पैसे मिले थे और अब से मैं तुम्हें pay करना start करूँगा. इसी के साथ उसने एक चीज और बोली. We start learning sentences. आज हम sentence बनाना start करेंगे. इसी के साथ हमारा chapter end होता है. इस lesson के अंदर, इस story के अंदर बड़ा ही खूबसूरत सा एक lesson सीखने को मिलता है. That is, अपनी kindness से आप किसी भी person को, किसी cruel person को भी kind बना सकते हैं, उसे आप बदल सकते हैं. So that's all about this chapter. इसके जो question answers होंगे हम next video में discuss करेंगे. Till then, take care. Thank you so much.